आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का मिशन, कप्तान की कॉल। खिलाड़ियों ने आवाम से महंगाई के खिलाफ घरों से निकलने की अपील कर दी। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात होंगे। फवाद चौधरी ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। अली जैद, शेख जायद, शेख रशीद, यास्मीन राशिद ने आवाम को एहतजाज की दावत दी थी। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो आप घर में देख रही हैं कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे पुरमन एहतजाज करना हमारा हक है। इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सब से बात करूं। कप्तान की कॉल पर एहतजाज करेंगे। खिलाड़ियों ने बता दिया, शेड्यूल भी जारी कर दिया। किन किन शहरों में मैदान सजेगा, फवाद चौधरी ने प्लान बता दिया। मुल्तान में चौकशाह अब्बास, कराची में शाहराए कायदीन, लाहौर में लिबर्टी चौक, फैसलाबाद में चौक, घंटाघर में एहतजाज होगा। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट लाल हवेली, पिशावर में हस्तंगरी गेट और इस्लामाबाद के F9 पार्क में कारकुनान के साथ आवाम भी जमा होंगे। शेख रशीद का इतवार को 8 बजे लाल हवेली पर जलसा करने का ऐलान। इम्पोर्टेड हुकूमत की क्यामत खेज महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर कल शाम 8 बजे लाल हवेली के बाद एक तारीखी जलसा और जुलूस मुनक़द किया जाएगा। अली जैदी ने भी आवाम से एहतजाज में आने की अपील कर दी। खान साहब ने पूरे मुल्क में कॉल दी है एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज की, तो मैं कराची के हर फर्द से दरख्वास्त करता हूँ, अपने बुजुर्गों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से, नौजवानों से खास तौर पे के भरपूर तादाद में शिरकत करें। यास्मीन राशिद ने कहा कि मुकदमा बनाना है तो बना ले, हमारे एहतजाज भी होंगे, हम डरने वाले नहीं। मियां असलम इकबाल बोले, हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने ट्वीट के जरिए भी पैगाम पहुंचाया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मरकजी मकामात पर बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।